Yes, good morning students. Today we are going to start last question of class 10 English medium, chapter 4, exercise 4.3. In last video we have completed up to question 8. Today we start continue question number 9. आज हम क्वेश्चन 9 स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए क्वेश्चन 9 क्या है. टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टैप्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन. टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसमें दो टैप्स हैं, वाटर टैप्स. मतलब आप इनको पानी की दो ठूंटी समझ सकते हैं या पानी के दो नल समझ सकते हैं. अगर उन दोनों को एक साथ हम ओपन करते हैं तो वो एक टैंक को भरने में 9 3/8 आवर्स का समय लेते हैं. देखिए इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इससे ये आसानी से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, सपोज दैट ये एक वाटर टैंक है. और इसको कंप्लीट वाटर से फिल करने के लिए इसमें दो वाटर टैप्स लगी हुई है. सपोज दैट ये एक वाटर टैप है जिसका डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर नीचे का है ये स्मॉल है. जहां से पानी आ रहा है ये वाला जो आपका सेप नीचे की सेप दिखाई दे रही है ये सर्कल टाइप में है, तो इसका डायमीटर स्मॉल है. यानी कि इसमें से जो पानी आएगा वो कम आएगा. और दूसरा वाटर टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है. इसका मतलब इसमें से जो पानी आएगा वो ज्यादा आएगा. अब आप समझ सकते हैं कि इस टैंक में से जब पानी ज्यादा मात्रा में आएगा तो इस वाटर टैंक को भरने में समय कम लगेगा, और इससे जब पानी कम आएगा तो इस वाटर टैंक को भरने में टाइम ज्यादा लगेगा. अंडरस्टैंड यू. तो इस सिचुएशन में आपको इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टैक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक. कि जो बड़ा वाला वाटर टैप है ये इस वाटर टैंक को भरने में इस छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेता है. इसका मतलब अगर ये वाला वाटर टैंक ये वाला जो वाटर टैप है ये इस पूरे टैंक को भरने में अगर 15 घंटा देगा तो ये बड़ा वाला इसको भरने में मात्र 5 घंटे ही देगा. क्योंकि इस वाटर टैप से पानी ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो इस वाटर टैंक को कम समय में भर देगा, और इससे पानी कम मात्रा में आ रहा है तो इसको भरने में समय ज्यादा देगा. तो इसी बात को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. मान लेते हैं कि ये जो छोटा वाला वाटर टैप है इसका जो डायमीटर है वो एक्स है. मतलब कि ये इस पूरे वाटर टैंक को भरने में एक्स घंटे का समय ले रहा है, और जो बड़ा वाला वाटर टैप है इस पूरे वाटर टैंक को भरने में इससे 10 घंटे कम यानी एक्स माइनस 10 घंटे का समय लेगा. अगर ये वाला आपका छोटा है और ये वाला बड़ा है
तो इन दोनों को हम एक को x मानेंगे, अगर आपने छोटे को x माना है तो ये x माइनस 10, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये x प्लस 10 घंटे हो जाएगा। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन में हम इसको ट्रांसफर करेंगे कि इस सिचुएशन में हम एक घंटे का समय निकालते हैं कि ये मानते हैं कि छोटा वाला अनग से और बड़ा वाला वाटर टैप एक घंटे में इस वाटर टैंक का कितना भाग को भर देंगे, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम एक घंटे का समय निकालते हैं कि एक घंटे में वो कितने भाग को भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि कौन सा टैप्स कितने समय में भर रहा है। तो देखिए भाई, दैट टाइम टेकन टू फिल द टैंक by small diameter tap. Equal to xr. Time taken to fill the tank by small diameter tap equal to xr. कि हमने जो छोटा वाला ये टैप है जिससे कम पानी आ रहा है, ये इस पूरे टैंक को भरने में कितना समय देगा, x घंटे का समय देगा। तो बड़े वाला कितना देगा अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, इससे 10 घंटे कम, एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक by larger diameter tap is equal to x minus 10 hours. ये x minus 10 घंटे में भर देगा। अब देखिए ये वाला जो छोटा डायमीटर वाला टेप है पूरे को तो x घंटे में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना पार्ट भर पाएगा इसका, 1/x पार्ट। तो इसी चीज को मैं इसी में जोड़ देता हूं, इन वन आवर इक्वल टू 1/x पार्ट। एक घंटे में कितना भरेगा भाई, 1/x पार्ट भरेगा। इसी प्रकार से ये जो बड़ा डायमीटर वाला टैप है ये भी एक घंटे में कितना भरेगा, इन वन आवर इक्वल टू 1/x माइनस 10 बार। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 1/x कैसे हो गया और 1/x माइनस 10 कैसे हो गया। इसको समझिए, सपोज करो कि कोई व्यक्ति एक काम को 2 दिन में पूरा करता है, एक काम को कितने दिन में, 2 दिन में, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा, उस पूरे काम का आधा यानी कि 1/2। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो ये इक्वेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। अगेन समझा रहा हूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को 2 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, उसका आधा 1/2 पार्ट करेगा। तो वही चीज को लिखा है मैंने कि ये जो स्मॉल डायमीटर वाला टैंक था ये इस पूरे टैंक को तो x आवर में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट को भर पाएगा। ऐसे ही ये जो बड़ा वाला था लार्जर डायमंड
पूरे 10 को तो कितने समय में भगा, x माइनस 10 आवर में, तो इन 1 आवर एक घंटे में कितना भरेगा, 1 अपॉन x माइनस 10 पार्ट भरेगा। अब अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, अगर इन दोनों वाटर टैप को एक साथ हम ओपन कर दें, इसको भी और इसको भी, दोनों एक साथ अगर इसमें चलाए जाएं, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस पूरे टैंक को भरने में 9/3/8 आवर्स का समय लेते हैं। तो देखो, तो इसको भी हम जब दोनों को एक साथ चला रहे हैं, तो इससे भी हम एक घंटे का समय निकाल लेते हैं कि भाई एक घंटे में ये इस वाटर टैंक का कितना पार्ट भर पाएंगे। भाई पूरे को भरने में तो कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम 9/3/8 आवर्स। अगर इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूं, तो 9 × 72 + 3 = 75/8 आवर्स हो गया। ये तो है कंप्लीट टोटल को भरने में समय। तो ये एक घंटे में दोनों एक साथ जब चल रहे हैं, तो एक घंटे में कितना भर पाएंगे, तो इसका भी मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 8/75। जैसे मैंने इनका वो रेसिप्रोकल किया था भाई, कंप्लीट को भरने में इस बार टैप द्वारा तो एक आवर लगा था, तो एक घंटे में इसी का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x आ गया। ऐसे ही इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो दोनों एक साथ जब चलेंगे, तो एक घंटे में कितना पार्ट भर पाएंगे, 75/8 आवर्स में। ये आपका पार्ट्स बन गया। अब देखो, अब इसकी इक्वेशन हम क्रिएट कर देंगे, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनेगी इक्वेशन, 1/x एक घंटे का ये प्लस एक घंटे में ये 1/x − 10, और एक घंटे में जब ये दोनों एक साथ चलेंगे, तो इनको मैंने प्लस किया था, ये हो जाएगा 75/8 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 8/75, क्योंकि आपको टोटल कंप्लीट भरने का टाइमिंग कितना है, 75/8 आवर्स है, तो एक घंटे में कितना पार्ट भर पाएंगे, 8/75। चार देखो यहाँ पर, सिंस टोटल टाइम टू फिल द टैंक बाई वॉल टैप, इज इक्वल टू 75/8 आवर्स। इसलिए इन वन आवर इज इक्वल टू 8/75 पार्ट्स। अब ये सबको मैंने देखिए, ये वाला जो टाइमिंग है ये भी एक घंटे का समय, दूसरे टैप के द्वारा ये भी एक घंटे का समय, और जब इन दोनों में एक एक घंटे चलेगा इस वाटर टैंक में, तो ये दोनों एक साथ जब चलेंगे, तो एक घंटे में कितना होगा, 8/75 पार्ट्स हो जाएंगे, और ये हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो, ये इससे हम एक इक्वेशन हमने तैयार कर ली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो भाई, एलसीएम कितना आएगा इसका, x और x माइनस 10 डिफरेंट फैक्टर है, ये दोनों आ जाएंगे, तो x × x − 10 ये एलसीएम हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x माइनस 10 बचेगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, इज इक्वल टू 8/75। आगे देखिए,
एक्स और एक्स कितना हो जाएंगे भाई, 2x माइनस 10 अपॉन एक्स से ही सब कितना ही कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 को इससे, इसको इससे, तो 8x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 75 टू जा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब एक्स एक्स की संख्या को एक तरफ कर देते हैं और इस पूरी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x ये जगह के माइनस का 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस के 80x और माइनस 150x दोनों ऐड हो जाएंगे और 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस की जो नंबर है वो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा 230x। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम छोटी भी कर सकते हैं क्योंकि ये टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय टू बोथ साइड तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तीनों मेथड्स पढ़े हुए हैं, तो कौन सा मेथड ज़्यादा इजी रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको वही एक्स स्क्वायर टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 375 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होगा तो ये हो जाएगा भाई 375 को 4 से करेंगे तो 4 5 20 कैरी 2 4 7 28 2 30 और 4 3 12 3 15 एक्स स्क्वायर, तो ये हमें 1500 एक्स स्क्वायर ऐसे दो फैक्टर कंसीडर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 115 एक्स हो जाए। तो देखिए हम इसके फैक्टर करके देखते हैं, 1500 के हम फैक्टर करके देख लेते हैं भाई, तो ये 5 से हो जाएगा 5 3 15 फिर 5 से हो जाएगा 5 6 30 फिर 5 से 12 5 60 फिर हो जाएगा 3 से 4 फिर 2 से और फिर 2 से। अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन बना के देखिए, अगर हम इनको दें 5 5 25 25 5 125 और इनको करें तो 3 2 6 और 12 तो 125 और 12 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे कि माइनस 115 बन जाए। तो देखिए इन दोनों का 5 5 25 25 2 50 52 100 और 5 3 15 115 हो जाएंगे। तो कौन कौन से देंगे भाई, इन दो को दे देते हैं और इन दो को और इनको देते हैं, तो ये तो हो गया 15 और ये 25 और ये कितना हो गया 100। तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि उनको ऐड करेंगे तभी माइनस 115x बनेगा। तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, तो यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 100
माइनस का 15x और प्लस 375 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां से 2k पीएल बनाएंगे, इधर से कॉमन आ जाएगा आपका 4x, इधर बचेगा x माइनस 25, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, यहां से माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 25 इक्वल टू जीरो, x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा और 4x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां से ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है, जीरो के, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इफ x माइनस 25 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 25 एंड इफ 4x माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। अब देखिए ये x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या माना था हमने स्टार्टिंग में, x क्या था, x माना था जो स्मॉल डायमीटर वाला टैप है वो उस वाटर टैंक को भरने में जो समय दे रहा है उसको माना था हमने, तो ये 25 है, तो छोटा वाला है जो 25 आवर के अंदर भरेगा, तो बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम, तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 घंटा आ जाएगा। और ये देखो ये x इक्वल टू आ रहा है 15/4, अगर इसको हम ये आवर है इसी को मिनटों में फिर सेकंडों में चेंज करेंगे तो इससे आप देखेंगे ये क्या बन सकता है। इसको अगर मैं चेंज करूं किसमें, ये आवर आ रहा है 15/4, तो इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करें और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 15, इसको आधा कर देता हूँ यहीं पर और इसको इससे करेंगे तो 225 मिनट। तो ये जो है छोटा वाला मतलब कि 225 मिनट आ रहे हैं, अगर इसको हम घंटे में भी चेंज करेंगे तो घंटे में भी चेंज करेंगे तो समथिंग ये 3-3.5 घंटे आ रहा है, और ये छोटा जब 3-3.5 घंटे में आता है तो जो बड़ा वाला डायमीटर का जो टैप्स था वो तो इससे 10 घंटे कम में भर रहा है तो वो तो माइनस में चली जाएगी संख्या, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 15/4 ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या होगी 25 आवर ही होगी, तो ये वाला आपका क्या है पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो x कितना रहेगा आपका 25 आवर। तो जो छोटा वाला आपका टैप है वो 25 आवर के अंदर भरेगा और बड़ा वाला इससे 10 घंटे कम में तो वो कितने में भरेगा, 25 में से 10 माइनस कर देंगे 15 घंटे के अंदर। तो इसको देख दो भाई, तो टाइम टेकन बाय, इसको इधर लिख देता हूँ यहाँ पर जगह नहीं है, टाइम टेकन बाय स्मॉल डायमीटर टैप इज इक्वल टू 25 आवर एंड टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 और एक्स की जगह 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आवर्स, तो ये इसके आंसर हो गए। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप एक दो बार देखिए और जब इसको दोबारा से आप प्रैक्टिस करके देखिए
तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टेन, अब देखो ये टेन जो क्वेश्चन है ये सेम इस प्रकार से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किया था एट, वही टेन वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने एट किया है सेम इसी प्रकार से है, डिजिट चेंज है, तो आप इसको सेम से कर सकते हैं। तो मैं इसका लास्ट क्वेश्चन ये नेवन सॉल्व करा रहा हूं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है इसका 11 और क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, कि दो स्क्वायर्स के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, और पेरीमीटर्स में डिफरेंस 24 है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर्स की हमें साइड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक तो इसके अंदर बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, अब ये हमने दो सपोज करो ये स्क्वायर मान लिए, कि माना कि जो ये बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी साइड है जो एक्स है, एक्स मीटर है, और छोटे वाला स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है वाई मीटर, ये दो हमने स्क्वायर मान लिए, एक स्क्वायर जिसकी साइड एक्स मीटर है, दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड वाई मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, अब इनका एरिया निकालें हम, तो जब साइड इसकी एक्स है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस फर्स्ट वाले स्क्वायर का, क्योंकि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो साइड इनटू साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर कह रहा है कि देयर पेरीमीटर डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस, तो इस वाला जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इनटू साइड, तो इसका 4x हो जाएगा और इसका 4y, दोनों में डिफरेंस कितने का दे रखा है 24 का, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, तो मान लेते हैं हम ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो दैट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी एक्स मीटर एंड द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर बी वाई मीटर। अब देखिए हमने दोनों की साइड मान ली एक्स और वाई, तो नाजर वाले का एरिया और पेरीमीटर निकालते थे, नाउ एरिया ऑफ नाजर स्क्वायर, एरिया ऑफ नाजर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x। अब छोटे वाले का एरिया और पेरीमीटर निकाल देते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड
एंड एलिमेंटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एंड पैरामीटर फॉर वाई। अब देखिए यहां से इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं हम आसानी से, तो मैं यहां पर इक्वेशन बना रहा हूं इसको मिटाकर। आप जब भी वीडियो देखेंगे कंटिन्यू साथ के साथ आप होमवर्क में क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करते जाएं, क्योंकि मैं जब इसको ऊपर से रफ्पा देता हूं तो फिर बाद में आपको वापस से फिर देखनी पड़ेगी, इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो को तुरंत के तुरंत नोट करते जाएं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम। तो इसका एरिया बन गया था x स्क्वायर, इसका बन गया था y स्क्वायर, और सम दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। अच्छा यही है 468 मीटर स्क्वायर। अब इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड में इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस, तो इसका पेरीमीटर था 4x और इसका -4y, दोनों में डिफरेंस हो गया और वो कितना दिया हुआ है 24। अब देखो ये वाली इक्वेशन में 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे इक्वेशन छोटी बन जाएगी और कैलकुलेशन में भी कम समय लगेगा, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड, देन वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। That is the equation number second. तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड है जो प्राप्त हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, x और y की। तो इस प्रकार की इक्वेशन हम काफी सारी सॉल्व कर चुके हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट पर हम इनमें से एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे जिससे एक की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाए। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से एक वेरिएबल रिमूव करना बहुत ही इजी हो जाएगा, तो मैं यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं और उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं। तो फ्रॉम सेकंड एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, यहां से वाई को ट्रांसपोज किया 6 प्लस वाई, इसको कहां पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम सेकंड एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई पुट इन फर्स्ट, देन वी गेट एक्स की जगह ये रखेंगे तो 6 प्लस वाई इसका और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ये बन गई एक आइडेंटिटी a प्लस बी का और स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगी, a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab 2 इंटू ए 6 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी है ही y स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ माइनस करके 468 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी जो आइडेंटिटी थी उसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई तो क्या बन जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 = 12 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y² माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं जनरल फॉर्म में रख रहा हूं, फर्स्ट में हम इस y स्क्वायर वाले टर्म को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y² और माइनस का 468 और प्लस का 36,
तो इसमें से हम ये नंबर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, और ये 12y यहाँ पर एक ही टर्म है और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 3 और ये 4, -4, 32 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन में 2 से पूरा पूरा भाग जा सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, देन वी गेट y² + 6y - 216 = 0। That is the quadratic equation. Now we solve using factorization method or completing the square or by quadratic formula. As you like, that using factorization method. Now we choose factorization method using factorization method. According this method, -216 and y² इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 216 y² अब 216 के हम फैक्टर करेंगे, देखिए यहां पे करके देखते हैं क्या फैक्टर 216 के, तो 216 से के जब हम फैक्टर करेंगे देखिए इसमें कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से, 3 से 21 और 3 2 जा 6, आगे 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12, फिर 3 से 3 8 जा 24, फिर 2 से 4, अगेन 2 से 2, अगेन 2 से 1। अब इस प्राइम फैक्टर के कॉम्बिनेशन बना के देखिए कि ऐसे दो फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो 216 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 6 बन जाए, तो देखिए ऐसे कौन कौन से बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं पॉसिबल फैक्टर कौन से हो सकते हैं, तो 3 3 = 9 और 9 3 = 27, अगर हम इनको और इसको दें 2 2 = 4 2 = 8, तो 27 और ऐड के अंदर अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ना तो ऐड करने पर 6 बनता है ना ही सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकते, तो अदर फैक्टर चूज करके देखेंगे, देखिए हम 3 3 = 9 और 9 2 = 18, यहाँ तक दे दिया मैंने 18, 3 3 = 9 9 2 = 18 और 3 2 = 6 और 6 2 = 12, तो ये तो हो गया 18 और ये हो गया 12, तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये वाले फैक्टर हमारे सूटेबल रहेंगे, तो कौन से दो फैक्टर हम कलेक्ट करेंगे यहाँ से 12 और 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 216 y स्क्वायर आ जाएगा और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 6 बन जाएगा, तो देखिए इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो y² + 6y के स्थान पर लिखेंगे 18y और माइनस का यहाँ से 12y -216 = 0। अब देखिए ये दोनों के पेयर बनाएंगे यहाँ से, इधर से y कॉमन आ जाएगा तो y + 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा और y+ इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बन जा 12, कितने बच गए भाई 9 और 12 8 = 96 = 0, क्या कॉमन आएगा y + 18 और y - 12 = 0। अभी दो फैक्टर आ गए और इन दोनों फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, दोनों में से अगर ये 0 हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम tan y + 18 = 0 if y + 18 = 0
देन y इज इक्वल टू माइनस 18 और ये जीरो हुआ y माइनस 12 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 12। तो देखिए हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, तो माइनस 18 और y इक्वल टू 12। अब एक चीज देखिए, हमने y किसको माना था, y इज द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है और आपको पता है कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज कैंसिल आउट और y इज इक्वल टू 12, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हो सकती है, तो y की वैल्यू 12 हम इसको रखेंगे तो जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड 12 हो जाएगी। देखिए छोटे वाले स्क्वायर की साइड 12 है, अब आपको निकालना है बड़े वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी। तो देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी, क्या थी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन थी आपकी बैग में पीछे। अब इसमें y की जगह हम कितना पुट कर लेंगे, 12, तो क्या लिखोगे भाई, पुट y इज इक्वल टू 12 देन x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 12 लगा के प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 मीटर आ गई। तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड 18 है और छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 12। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया और दोनों स्क्वायर्स की साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो मेरी तरफ से ये जो 4.3 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी बच्चे को कोई कंप्लेंट हो, कोई आपकी शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे की एक्सरसाइज 4.4 ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। So thank you and thank you very much.